नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर देश से। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। आखिरकार सीबीएसई 12वीं के स्टूडेंट का इंतजार खत्म हो गया है। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के मार्किंग का फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट में बताया है। रिजल्ट तैयार करने को लेकर बनी 13 सदस्यीय कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने के फैसले के बारे में बताया है। 12वीं की मार्कशीट तैयार करने की डिटेल देते हुए सीबीएसई ने कहा कि 10वीं और 11वीं के 5 सब्जेक्ट में से जिन 3 में छात्र ने सबसे ज्यादा स्कोर किया होगा उन्हीं को रिजल्ट तैयार करने के लिए चुना जाएगा। वहीं 12वीं कक्षा के यूनिट टर्म और प्रैक्टिकल में प्राप्त अंकों को रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा। बोर्ड ने बताया कि अगर सब कुछ सही रहा तो 31 जुलाई तक रिजल्ट जारी किए जाएंगे। आखिर किस आधार पर रिजल्ट का मूल्यांकन किया जाएगा, सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट हम दिखा देते हैं। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं कक्षा के रिजल्ट का फॉर्मूला तय हो गया है। रिजल्ट तैयार करने को लेकर बनी 13 सदस्यीय कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इसमें बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने के फॉर्मूले के बारे में बताया। सीबीएसई बोर्ड के मुताबिक 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के परिणाम को फाइनल रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो 31 जुलाई तक रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। सीबीएसई ने 12वीं के रिजल्ट का जो फॉर्मूला तय किया है उसमें सीबीएसई 12वीं रिजल्ट का फॉर्मूला 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के अंक जुड़ेंगे। 30-30-40 फॉर्मूला के आधार पर अंक तय होंगे। 10वीं और 11वीं के 30-30%, 12वीं प्री बोर्ड के 40% अंक जुड़ेंगे। 10वीं के 5 विषय में से 3 विषय के सबसे अच्छे मार्क्स को लिया जाएगा। 11वीं के 5 विषय का एवरेज लिया जाएगा। 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम्स और प्रैक्टिकल का नंबर लिए जाएंगे। 31 जुलाई को रिजल्ट घोषित करने की तैयारी है। जो स्टूडेंट संतुष्ट नहीं उनके लिए अलग एग्जाम का ऑप्शन रखा जाएगा। अटर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बताया कि इस फॉर्मूले को हमने एक्सपर्ट्स कमेटी के साथ डिजाइन किया है। 10वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम्स और सब्जेक्ट 11वीं और 12वीं से अलग होते हैं, इसलिए हमने पिछले 3 साल 10वीं, 11वीं और 12वीं को आधार बनाया है। ऐसे में अब इंतजार रिजल्ट की तारीखों का है जब ये रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो पूरी रिपोर्ट आपने देखी। कुछ मेहमान हमारे साथ भी जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से सीबीएसई 12वीं के स्टूडेंट का जो इंतजार था वो अब खत्म हो गया, लेकिन सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के जो मार्किंग का जो फॉर्मूला है वो सुप्रीम कोर्ट में बताया है। इसके साथ ही जो रिजल्ट तैयार करने को लेकर 13 सदस्यीय कमेटी जो बनी सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट को सौंप दिया है। इसमें जो बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने का जो फॉर्मूला है उसके बारे में बताया है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि 12वीं की मार्कशीट तैयार करने की जो डिटेल देते हुए सीबीएसई ने कहा कि 10वीं और 11वीं के 5 सब्जेक्ट में से जिन 3 में छात्र ने सबसे ज्यादा स्कोर किया होगा उन्हीं को रिजल्ट तैयार करने के लिए चुना जाएगा। यानी कि 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के अंक इसमें जुड़ेंगे। 30-30-40 का जो फॉर्मूला है उसके आधार पर जो मार्किंग सिस्टम है, जो अंक है वो तय किए जाने हैं। और साथ ही जो स्टूडेंट संतुष्ट नहीं होंगे उनके लिए अलग से एग्जाम का ऑप्शन भी रखा गया है। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं कक्षा के रिजल्ट का फॉर्मूला उसे अब तय कर दिया है। लेकिन रिजल्ट तैयार करने को लेकर जो 13 सदस्यीय कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपी है, और बाकायदा अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने आज इस बात को जिक्र भी किया, बताया कि इस फॉर्मूले को हमने एक्सपर्ट्स कमेटी के साथ डिजाइन किया है और 10वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम और सब्जेक्ट 11वीं और 12वीं से अलग होंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमने पिछले 3 साल 10वीं, 11वीं और 12वीं को इसमें आधार बनाया है। अब ऐसे में इंतजार रिजल्ट की तारीखों का सबको है जब ये पूरे रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये जो फॉर्मूला है सीबीएसई बोर्ड की 12वीं कक्षा के रिजल्ट का उसे तय किया गया है।
तो सीबीएसई ने 12वीं के रिजल्ट का जो फॉर्मूला तय किया है उसके आधार पर अगर बात की जाए, जो ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको थोड़ा डिटेल्स समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के अंक जुड़ेंगे। तो चलिए, हमारे साथ एक मेहमानों का बड़ा पैनल जुड़ चुका है, आपका परिचय उनसे सबसे पहले करवा देते हैं। जगदीश गांधी जी, संस्थापक है सीएमएस के, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जनतंत्र टीवी पर। मनोज कटारिया जी हैं, संस्थापक है पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा अश्विनी बख्शी, डायरेक्टर हैं एकेडमिक मदर डिवीजन पब्लिक स्कूल के, आपका भी बहुत स्वागत है। रश्मि राय शिक्षक हैं, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े। सबसे पहले मैं आप ही के पास जगदीश गांधी जी आता हूँ, क्या कहेंगे आप, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं कक्षा के रिजल्ट का जो फॉर्मूला है वो तय कर दिया सर, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सीबीएसई बोर्ड ने जिस समय निर्णय लिया था जी कि हम परीक्षा नहीं कराएंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि परीक्षा नहीं होगी, उस समय कोरोना की स्थिति बहुत ज्यादा तेज थी और बच्चों की संभावना थी कि उनको कोरोना हो जाए, तो कहीं ऐसा न हो कि कोई बच्चा चपेट में आ जाए, और ये बहुत बड़ा दुखदायी एक होगा यदि एक बच्चे की भी डेथ हो जाती है। तो बिल्कुल उस समय निर्णय ठीक था, लेकिन आज परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। अभी कोरोना कम होता जा रहा है और सीबीएसई बोर्ड ने कहा था कि यदि कोरोना कम हो जाएगा तो हमारा परीक्षा का विकल्प खुला हुआ है, यानी हम परीक्षा बोर्ड की ले सकते हैं। ठीक सर, मेरा कहना यह है कि बच्चों ने 2 वर्ष तक कठोर परिश्रम किया है, उनकी जिंदगी का सवाल है, उन्हें स्कूल के मार्क्स मंगा के बोर्ड उठा के दे देगा, तो स्कूल के मार्क्स की कोई वैल्यू कहीं भी नहीं होती। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी में भी इन्हें इम्तहान देना पड़ेगा दाखिले के लिए, तो यूनिवर्सिटी भी ऐसे नहीं ले लेगी जी, तो वहाँ पे भी टेस्ट होगा जी। तो सवाल यह है कि यूनिवर्सिटी इम्तहान ले, इससे बेहतर है कि सीबीएसई बोर्ड इम्तहान ले, और सीबीएसई बोर्ड के पास हर एक बोर्ड मार्च में इम्तहान लेता है इंटरमीडिएट के और हाई स्कूल के जी, और ये सब की सब तैयार है पूरे बोर्ड का, दिसंबर जनवरी और फरवरी 3 महीने में तैयारी कर लेते हैं जी। अब क्वेश्चन पेपर छपे रखे हैं तो उन्हें छापना नहीं है, सारी कॉपियां छपी रखी हैं, हमारे यहाँ कॉपियां भी आ गई हैं, और बच्चों के 2 वर्ष तक कठोर परिश्रम के बाद उन्हें ये परीक्षा होती है, इसके नंबर आते हैं, इसके आधार पर विदेश की और देश की बढ़िया यूनिवर्सिटीज में, बढ़िया कॉलेजेस में, और तमाम इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ और कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सारी परीक्षाएं बेस करती हैं इंटरमीडिएट के रिजल्ट पर। तो वो रिजल्ट जो स्कूल का होगा तो उसका कोई मान ही नहीं होता जी, स्कूल से नंबर ले लिए और उन्होंने टाइप करके बच्चे को दे दिए तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। अब मेरी लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से बात हुई, आलोक कुमार राय से, उन्होंने, हमने कहा आप क्या करेंगे, बोले कि हमें इम्तहान लेना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी लखनऊ में करीब 4 लाख लोगों का, 4 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं बच्चे, और इसमें 1 लाख की जगह लखनऊ यूनिवर्सिटी में और एफिलेटेड कॉलेजेस में ग्रेजुएशन में, तो जो 1 लाख की जगह है उसकी जगह 4 लाख एप्लीकेशन से, तो 4 लाख का इम्तहान लेना पड़ेगा, 1 लाख की जगह पे 4 लाख बच्चों को तो भर्ती नहीं कर सकते। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले वर्ष 64,000 सीटें थी और 6 लाख बच्चों ने अप्लाई किया इंटरमीडिएट के, बीए के, बीए बीएससी के लिए, तो 64,000 ही लेते तो कट ऑफ परसेंटेज था, यूनिवर्सिटी अपना डिक्लेयर कर देती है और नोटिस बोर्ड पर लगा देती है कि हमारा कट ऑफ परसेंटेज 80% है, 75% है, तो जो उस नंबर के बच्चे होते हैं वो जाते हैं, जो नीचे के होते हैं वो दूसरे स्कूलों में जाते हैं, तो अब कट ऑफ परसेंटेज नहीं होगा, तो अब कैसे दाखिला होगा, तो टेस्ट होगा। यदि यूनिवर्सिटी 6 लाख लड़कों का टेस्ट लेगी तो कहाँ लेगी, अव्यवस्था हो जाएगी, अब वी कैन नॉट प्ले विद द लाइफ ऑफ द यंग मैन, ये कोई नर्सरी और मॉन्टेसरी के बच्चे नहीं है, ये बच्चे हैं इंटरमीडिएट के, ठीक सर, ये 17-18 साल की उम्र के, और इनके भविष्य का सवाल है और कंट्री के भविष्य में भी
जो मेधावी छात्र होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है, जो मेधा है जिनके पास उनकी मेधा को आप गधे घोड़े से बराबर कर देंगे। जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा, जो बिल्कुल फेलियर है, वो भी पास होंगे, और जो टॉप मोस्ट है वो भी पास होंगे। मैं लौट रहा हूं सर आपके पास, सबको एक सा एक आप हंटर से लौट रहा हूं सर। अश्विनी बख्शी जी, ठीक है, अश्विनी बख्शी जी भी हमारे साथ परीक्षा होनी चाहिए और अवश्य होनी चाहिए। ठीक है अश्विनी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है, क्योंकि रिजल्ट तैयार करने को लेकर 13 सदस्यीय जो कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट को सौंप दिया है, जगदीश जी ने जो बात कही है उससे आप कितना सहमत हैं? से मुलाकात भी की और इन्होंने बड़े सच में डिटेल में रखे हैं और बड़ा अच्छे तरीके से इन्होंने देखिए हर जो होते हैं परसेप्शन इंडिविजुअल आइडिया को कभी हम डिबेट नहीं कर सकते वो ठीक कहा है या गलत कहा है, लेकिन हर का यस और नो हो सकता है। देखिए ये पैंडेमिक की सिचुएशन किसी ने कभी सोची नहीं कि ऐसा होगा, ठीक, और उस पैंडेमिक को देखते हुए मेरे पिछले प्रोग्राम में भी आपसे जब मेरी बात हुई थी, आपके इसी प्रोग्राम में बात हुई थी, तो मैंने यही बात करी थी जी। कि अगर गवर्नमेंट एक डिसीजन लेती है कि एग्जाम नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे कि बाद में अगर कोरोना कम हो गया, कोविड कम हो गया तो कहेंगे कि क्यों ऐसा किया, और अगर बाई चांस बढ़ गया और गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं एग्जाम लेंगे तो फिर और इश्यू आ जाएंगे और प्रॉब्लम आ जाएंगी। तो मैं सिर्फ इस बात को एक बात कहता हूँ कि आज की डेट में हम इस चीज को ना देखें कि क्या होना चाहिए या क्या करना चाहिए, आज की सिचुएशन के हिसाब से हमें क्या करना है वो देखना है। देखिए आज अगर हम एग्जाम दोबारा लेने की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात होगी, क्योंकि सीबीएसई का एग्जाम इज अ वेरी मैराथन प्रोसेस, बहुत लंबा प्रोसेस है, ये कोई छोटा काम नहीं है जहाँ 15 लाख से ज्यादा बच्चे अपीयर होंगे और उनको मैनेज करना, उनको एग्जाम कंडक्ट करवाना, करेक्शन करना, रिजल्ट प्रिपेयर करना। तो मेरे हिसाब से ये जो एक हमने बीच का रास्ता बनाया कि आप इस शीट के हिसाब से रिजल्ट प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि ये सबके साथ हो रहा है और जब सबके साथ हो रहा है तो यूनिफॉर्मिटी की वाली बात है। जहाँ तक ये बात है कि मैं ये टर्म यूज नहीं करना चाहता एजुकेशनिस्ट होने के नाते कि गधे घोड़े सब बराबर हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जो बच्चा डिजर्विंग होता है, जो हाई परफॉर्मर होता है, जो अचीवर होता है, उसका एक ट्रेंड ऊपर बना ही रहता है, ऐसे ही जो बच्चे होते हैं उनका गैप और डिफरेंस बना रहता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जनरली क्या देखा जाता है कि वीक बच्चे को थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है, जिसकी बुराई है। बाकी जहां तक रिजल्ट की बात है, अभी कुछ और पैरामीटर्स जब आएंगे और डिटेल्स आएंगे तो उससे थोड़ी और पिक्चर क्लियर होगी, क्योंकि 30-30-40 जो है ये मेरे हिसाब से उनके कुछ सवाल होंगे। अश्मा हमारे साथ इस वक्त एक स्टूडेंट जुड़ी हुई है, आपको मेरी आवाज आ रही है तो सवाल पूछ सकती हैं आप। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अच्छा नहीं लग रहा है भाई, से जाएंगे यार। चलिए हम दोबारा जाएंगे, कुछ छात्र हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी अपनी बात को पूरी करें, फिर रश्मि जी के पास मैं जाऊंगा, प्लीज कंक्लूड करें। मैं सिर्फ यही कह रहा था कि जो 30-30-40 का है परफेक्ट आइडिया है, क्योंकि समय समय बच्चे हाई परफॉर्मर होते हैं, उनका रिजल्ट एक अच्छी वेटेज होती है हर एक बच्चे की, वहां से 30% लेना एक अच्छी बात है। क्लास 11 क्योंकि क्लास 12 का बेस है, उससे 30% लेना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तीनों प्री बोर्ड नहीं हो सकते क्योंकि क्लास 11 में प्री बोर्ड नहीं होता, ठीक है। क्लास 11 का रीडिजाइन करना पड़ेगा कि इंटरनल असेसमेंट और फाइनल एग्जाम का वेटेज कैसे लेना है वो थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी क्लास 12 का है, क्लास 12 साइंस स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है खास, वो प्री को सीरियसली लेते नहीं है और कई बार एग्जाम के लिए देते हैं, क्योंकि वो अपना फोकस कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ठीक है सर, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। अंशिका तिवारी एक स्टूडेंट हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। अंशिका अपना सवाल पूछिए, आप कुछ पूछना चाहेंगे हमारे साथ, तमाम एक बड़ा एक्सपर्ट का एक पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है, आपके मन में कोई सवाल है? मतलब पावर हाउस से पूरा पावर हाउस से जहां से सब ट्रांसफार्मर, आपको आवाज आ रही है अंशिका? हो सकता है सर,
चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। जरूरी है, छात्रों के मन में भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको दूर करना है, इसीलिए हमने आज पूरे अपने एक्सपर्ट के इस पैनल को बुलाया है। मैं रश्मि जी आपके पास आता हूं। इसमें कहा यह गया है कि 11वीं के 5 विषय का एवरेज लिया जाएगा, इसके बाद 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम और प्रैक्टिकल का नंबर लिया जाएगा, और कहा जा रहा है कि 31 जुलाई को रिजल्ट घोषित करने की तैयारी है। आप क्या आप मानते हैं कि CBSE बोर्ड की जो 12वीं कक्षा के रिजल्ट का फॉर्मूला तय किया गया है, आपके हिसाब से वो ठीक है? एक्चुअली क्या है इसमें कि 11th वाला थोड़ा क्राइटेरिया जो है वो हमें एक बार देखना चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ी मॉडरेशन की जरूरत है। जी, क्या होना चाहिए उसमें? थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बिकॉज 30% 11th का लेने की बात की है। हाँ। नहीं, होना क्या चाहिए वो तो मैं अकेले नहीं बता सकती, लेकिन ये बात है कि होम एग्जामिनेशन होता है, ये स्कूल अपने लेवल पे कराता है। तो कोई स्कूल अपना पेपर बहुत डिफिकल्ट लेवल पे बनाता है, कोई स्कूल अपना पेपर बहुत इजी लेवल पे बनाता है। स्टैंडर्ड पेपर नहीं होता, बोर्ड का जो पेपर होता है वो तो स्टैंडर्ड पेपर होता है। जैसे कि 10वीं की परीक्षा का ठीक है कॉन्ट्रीब्यूशन, 12th का ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे 11th का जो 30% दिया, यहाँ पे दो प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ बच्चे 11th को इतना सीरियस भी नहीं लेते, वो लोग 11th में काफी हद तक इधर उधर ही करते रह जाते हैं कि हमें कॉम्पिटिटिव भी करना है, ये भी करना है, 11th इज द रेस्ट ईयर, चलो 12th के बोर्ड में तो हम पढ़ ही लेंगे और एग्जाम ले आएंगे, मार्क्स ले आएंगे। अब प्रॉब्लम क्या हो गई है कि 11th में बहुत से बच्चे शायद इसी बात से परेशान है कि उन्होंने 11th में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। परसेंटेज थोड़ी कम कर सकते हैं अगर चाहें तो, 30% ले रहे हैं, 30% थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है 11th के लिए, और यहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं है पेपर, तो प्रॉब्लम है। और दूसरा उन्होंने ये बोला कि एग्जाम कंडक्ट कराने वाली बात, उस पर मैं अपना एक पॉइंट रखना चाहती हूँ। एक्चुअली ये जो हम कोविड में डिप देख रहे हैं ना, जो कम हुआ है कोविड का रेट एंड ऑल दैट, वो क्यों कम हुआ है? क्योंकि एक्चुअली लॉकडाउन हुआ था, और लॉकडाउन नहीं होता तो कोविड में डिप आता ही नहीं, कोविड कभी कम नहीं होता। अगर हम इतने ज्यादा बच्चों को एक रूम में बैठाएंगे, अभी 8-8 के नॉर्म्स रखेंगे, टीचर्स ड्यूटी पे जाएंगे, कंडक्ट कराएंगे, तो प्रॉब्लम तो फिर से आ जाएगी। तो बोर्ड एग्जाम दोबारा रिकंडक्ट कराना कि हम कराएंगे, वो बिल्कुल सही बात है जो अश्विनी जी ने कही कि तो कंफ्यूजन की स्टेट हो जाएगी, तो वो तो मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। हाँ, ऑप्शनल है, जिसको देना है वो दे दे, जिसको खुशी नहीं मिल रही इस फॉर्मूला से, CBSE ने बोला है कि वो लोग अपना एग्जाम दे सकते हैं। हाँ, फॉर्मूला में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, थोड़ी सी इश्यू मुझे भी दिख रही है इस फॉर्मूले में, अब देखते हैं क्या मॉडरेशन होता है, मॉडरेशन की गुंजाइश तो लग रही है। एक एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। अंशिका जी हमारे साथ तो जुड़ी हुई एक स्टूडेंट हैं, वो सवाल अपना पूछना चाहती हैं। अंशिका, अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? आपके मन में भी जाहिर है कुछ सवाल होंगे। आज हमारे साथ एक बड़ा पैनल है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो सवाल पूछेंगे उनकी कोशिश करेंगे जवाब लेने की। पूछिए सवाल। हमने 11th में उतनी स्टडीज पे फोकस नहीं किया था जितना हम 12th में करना चाहते थे, यानी हर स्टूडेंट का रहता था कि 11th में भले ही पूरा सिलेबस कवर ना हो, लेकिन 12th में वो 11th का भी पढ़ता रहता था कि आगे के लिए कवर हो। तो अगर 11th के बेसिस पे अगर हमारा 12th का रिजल्ट फाइनल होगा, तो उन बच्चों का क्या जिन्होंने पहले से यानी उतना फोकस नहीं किया? जैसे मैम भी कह रही थी कि कुछ बच्चे होते हैं ना जो 11th में फोकस नहीं करते हैं, लेकिन 12th में आकर के उनके अंदर समझ आ जाती है कि हमें पढ़ना है, आगे कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं उनमें 11th का भी बेसिस होता है, लेकिन मेन उसमें 12th का भी होता है। तो हमने 12th में एकदम डिटेल में खूब कुछ पढ़ा है, और अगर अचानक से हमारे यानी प्रीवियस को भी यानी हमारे पास्ट को भी अगर हम इसमें ले आएंगे 11th के, तो उससे हम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है? क्या वहाँ भी ऐसे जैसे 12th में हमारे ये आधा सिलेबस कट ऑफ हुआ था, लेकिन क्या हमारा आगे कॉम्पिटिटिव में क्या हमारा सिलेबस कट होगा? यानी जो हमने 12th में नहीं पढ़ पाए वो क्या हमारा आगे कॉम्पिटिटिव में भी आएगा? क्या हमें जब वो पढ़ना ही था तो हमने वो हमें क्यों नहीं पढ़ा? रश्मि जी, सवाल सुना होगा आपने अंशिका का, प्लीज मैं चाहता हूँ रिस्पॉन्स करिए। हाँ, मेरी एक्चुअली काफी बच्चों से बात हो रही थी, इसके बाद ही जैसे ये परसेंटेज वाला क्राइटेरिया आया, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर क्राइटेरिया में चेंज हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, मॉडरेशन हो जाए तो परसेंटेज थोड़ी कम करनी पड़ेगी। एक्चुअली 12th में रिलायबिलिटी इशू है, 12th में प्रॉब्लम ये भी है ना कि सब ऑनलाइन हुआ, तो 12th की परसेंटेज बढ़ाने का मतलब है कि मैक्सिमम बच्चों ने तो मतलब किसी न किसी तरह से पेपर किया था, उसके लिए मैं ज्यादा बोल नहीं सकती, सभी को पता है कि किस तरह से पेपर हुए होंगे। हाँ, अब प्रॉब्लम ये है कि 11th, बिल्कुल सही बात है कि 11th में प्रॉब्लम है, लेकिन कर क्या सकते हैं, दो ऑप्शन है। जिन बच्चों ने 11th बहुत ही बुरा दिया था, आई थिंक उन्हें तो बोर्ड एग्जाम ऑप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके रिजल्ट पे तो काफी फर्क पड़ेगा, और बोर्ड इसकी उन्हें वो भी दे रहा है, परमिशन भी दे रहा है कि हाँ आप दे सकते हो। और अगर बोर्ड इसको रीथिंक करे तो 11th का परसेंटेज थोड़ा कम कर सकता है, 30% लिया है,
तो थोड़ा कम कर देगा तो ये भी अच्छा है। मॉडरेशन होगा तो जरूर, मुझे ऐसा लगता है कि मॉडरेशन होगा, क्योंकि उन्हें भी ये बात समझ में आ रही होगी। हाँ, जिन बच्चों ने 11th में भी बहुत सीरियसली पढ़ाई करी थी, उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, बिकॉज वी हैव वैरायटी ऑफ स्टूडेंट ना, हमारे पास में अलग अलग तरह के बच्चे हैं। अब जो बच्चों ने ऑलरेडी पहले से ही 10th भी अच्छा किया, 11th भी अच्छा किया, 12th भी अच्छा किया, मुझे नहीं लगता कि वो बोर्ड एग्जाम दोबारा देना चाहेंगे। मैं तो यही लगेगा कि चलो अभी खत्म हुआ, ये फेज खत्म हुआ लाइफ का और हम आगे बढ़े। मैं लौटूंगा आप सभी के पास, मेरे साथ मनोज जी भी जुड़े हुए हैं। उससे पहले मैं दिव्या तंवर जी के पास जाता हूँ। दिव्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षाविद हैं दिव्या जी, लगातार जुड़ती रहती हैं, अपनी बातों को रखती हैं अक्सर टीवी पर। थैंक यू। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो फॉर्मूला तय किया गया है, आपके हिसाब से फॉर्मूला ठीक है छात्रों के लिए? क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में अभी भी सवाल बने हुए हैं। वो ये चाहते हैं कि भैया 11वीं से कंपेयर ना करके 12वीं का जो रिजल्ट है, और 12वीं से कंपेयर ना करके, तो इस तरह से कुल मिलाकर जो स्टूडेंट हैं वो अभी भी अपनी परफॉर्मेंस को लेकर सवाल उठा रहे हैं। और जिस तरह से सबसे अच्छी बात जगदीश गांधी जी ने शुरुआत में कही थी कि कोई भी स्टूडेंट जो कि परफेक्ट नहीं होता है, किसी की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, किसी की लो होती है, तो थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि उन स्टूडेंट के मन में जो सवाल है, जो गलतफहमी भी मैं कह सकता हूं कुछ लोगों को हुई, जाहिर तौर पर हुई होगी, वो चाहता हूं दिव्या जी थोड़ा सा आप दूर करें। और दूसरा, ये जो फॉर्मूला तय किया गया है, आपके हिसाब से ये फॉर्मूला ठीक है छात्रों के लिए? क्योंकि बहुत सारे छात्र इससे संतुष्ट नहीं है अभी। देखिए सर, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हम लोग ऑनलाइन मोड पे तब आए 2 साल पहले, यानी कि हम सबके लिए नया था। 11वीं में जब बच्चे ऑनलाइन मोड में आए तो ना टीचर प्रिपेयर था ना स्टूडेंट प्रिपेयर था। तो ये बात तो सच है कि 11वीं में इन लोगों ने जो पढ़ाई करी हम सबके सामने है। तो अगर वो क्राइटेरिया होगा इनका 12th पास करने का कि उसमें एक अच्छी खासी परसेंटेज है, मॉडरेशन 100% होगी। हाँ। पर ये इस बात पे बच्चों को, क्योंकि ये इनके आगे के भविष्य की बात है, तो 11वीं का थोड़ा सा परसेंटेज इनको कम करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि उसके हिसाब से आपको स्कूल में जो बच्चा परफॉर्म करता है, टीचर की बहुत ज्यादा बड़ी भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि टीचर को पता होता है कि उसका बच्चा कैसा है। 10th में भी उसने पढ़ाया, 11th में भी उसने पढ़ाया, और 12th में भी। तो स्कूल्स को कहीं ना कहीं पता होता है कि उनका बच्चा कौन सा ब्राइटेस्ट है और कौन सा थोड़े उस लेवल पे, या किस तरीके की बच्चों ने सिचुएशन अभी झेली है। क्योंकि हम सबने देखा है कि कोरोना के टाइम पे बहुत सारे चीजें हमारी लाइफ में हुई है, बहुत सारे लोगों के घर में कोई ना कोई कोरोना से गया है। तो ये सारी की सारी चीजें एक हैंड होल्डिंग हमें करनी पड़ेगी, और बच्चों के भविष्य के साथ ना स्कूल कोई खिलवाड़ करना चाहता है ना सरकार खिलवाड़ करना चाहती है। तो इसलिए जरूरी है कि हम थोड़ा सा मॉडरेशन, इसको रीएवेलुएट करने की जरूरत है। 11th का क्राइटेरिया में थोड़े से हमें परसेंटेज कम करनी पड़ेगी, क्योंकि ये नया था, हम सबके लिए नया था, टीचर्स के लिए नया था, स्कूल के लिए नया था, और बच्चों के लिए तो बहुत ही नया था। मैं आपके पास मनोज जी आता हूँ, दिव्या जी की बात को लेके। वो कह रहे हैं कि 11वीं में परसेंटेज कम करना पड़ेगा, 30-30 का जो फॉर्मूला है वो तय किया गया है, और 12th में 40 का फॉर्मूला तय किया गया है, 10वीं और 11वीं का। आपको भी ऐसा लगता है वाकई में जो परसेंटेज है वो कम करना चाहिए? और दूसरा जो फॉर्मूला है उससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, जो दिव्या जी ने बात कही है कि वास्तव में 11th में बच्चे थोड़ी मेहनत भी कम करते हैं, और मेहनत कम नहीं करते, बल्कि मैं ये कहना का मैंने थोड़ा गलत कह दिया। ठीक है, कि एक मिनट मनोज जी आपको रोक रहा हूँ। ओशिमा, ओशिमा हमारे साथ जुड़ी हुई स्टूडेंट है। ओशिमा, अपना सवाल पूछिए आप। ये है कि जब 11th में टीचर्स ही इतना फोकस नहीं करती बच्चों पे, मतलब टीचर्स का फोकस बस ये होता है कि तुम प्रोजेक्ट्स बनाओ, तुम्हें 12th देनी है, 12th देनी है। जब सबका फोकस 12th पे होता है तो फिर 11th में 30% मार्क्स आप किस बेसिस पे लेना चाह रहे हो? ठीक है मनोज जी, वही सवाल उन्होंने भी पूछा है, चिंता है छात्रों की। बिल्कुल नहीं, 11th में जब आप बच्चा 10th से 11th में होता है, हम नहीं मान के चलते हैं जो बच्चा 10th में होता है बच्चा ही होता है एक तरह से। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होता, उसके पास सब्जेक्ट भी बहुत इजी होते हैं और पढ़ाई भी उसको इतनी लगती है कि ठीक है उसके लिए। लेकिन जब वो 11th में आता है तो उसका आप देखिए जो उसका डिफिकल्ट लेवल है सब्जेक्ट का, वो भी दुगना या तिगना हो जाता है। उसके पास टाइम भी कम होता है, 10th का रिजल्ट आते आते उसको 11th में एडमिशन मिलते मिलते वो इतना कम टाइम होता है कि जो सिलेबस है जो उसका दुगना तिगना हो गया है उसको केवल 8 या 9 महीने में कवर करना पड़ता है। और जबकि 12th के लिए, 12th क्लास के लिए उसके पास पूरे 12 महीने का होता है, 10th क्लास के लिए पूरे 12 महीने का टाइम उसके पास सिर्फ सिलेबस को कवर करने के लिए होता है। ठीक है, तो अब ऐसे में आपके पास टाइम रिड्यूस हो गया है, डिफिकल्ट लेवल बढ़ गया, सब्जेक्ट का भी सब्जेक्ट भी मतलब सिलेबस भी बढ़ गया, तो ऐसे में बच्चा थोड़ा सा, और थोड़ी सी एक बात और भी होती है, बच्चे को लगता है कि उसके जब मार्क्स 10th में बहुत अच्छे आ गए तो 11th में भी शायद ऐसे आ जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल, 11th में मार्क्स बहुत थोड़े से टाइट उससे मिलते हैं, बहुत इजी वे में नहीं टीचर्स उसको देते, उसके कई कारण होते हैं कि 12th का रिजल्ट भी अच्छा करना होता है,
तो इलेवेंथ में टीचर्स जो होते हैं उनको थोड़ा सा टफ मार्किंग करके लेके चलते हैं और डिफ़िकल्ट होता है। जैसे फर्स्ट टर्म आता है, आप देखिए ज़्यादातर स्कूल्स में काफ़ी बच्चे फेल मिलते हैं फर्स्ट टर्म में, या यूटी में तो नहीं लेकिन फर्स्ट टर्म में जरूर मिलते हैं। फिर धीरे धीरे वो थोड़ा सा जागता है और जागने के बाद वो आगे चलता है, तो उसके बाद वो सिंसियर होना स्टार्ट करता है। तो जब फर्स्ट टर्म हो गया उसमें मार्क्स कम आ गए, सेकेंड टर्म आते आते या फाइनल आते आते उसके मार्क्स इतने नहीं आ पाते जितना वो सोचता है या जितनी वो मेहनत करना चाहता है, तो जब तक उसका ट्वेल्थ आ जाता है। तो जो बात अभी दिव्या जी ने कहा था कि इलेवेंथ क्लास में कि मार्क्स थोड़े से मतलब रिड्यूस करने चाहिए, या वैसे तो हालांकि जहाँ तक मुझे याद है तीन सब्जेक्ट को लेकर चले हैं कि जो बेस्ट थ्री सब्जेक्ट्स हैं उसी के मार्क्स ऐड किए जाएंगे, इसमें पूरे पांच सब्जेक्ट के नहीं होंगे, पांच सब्जेक्ट के सिर्फ टेंथ क्लास के ही हैं। ठीक है, तो दिव्या जी का बहुत अच्छा कहना कि इसमें थोड़ा सा एक बार सोचना चाहिए गवर्नमेंट सीबीएसई को कि इलेवंथ का सिलेबस या मार्क्स थोड़े कम लेने चाहिए। ठीक है, एक स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए रुद्र, आप अपना सवाल पूछे। रुद्र क्या पूछना चाहते हैं आप? तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं, आपके मन में जो सवाल है पूछिए आप। यस सर, थैंक यू सर फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले जो एक सवाल हम सब स्टीम से अवगत हैं कि हमारे को सिखाया जाता है कि अतीत में विश्वास ना रखे। दसवीं ग्यारहवीं हमारा अतीत था, बारहवीं हमारा भी पास था, लेकिन आगे आने वाला हमारा प्रेजेंट होगा, फ्यूचर होगा। तो उसको देखते हुए इंटेलिजेंस इज नेवर पिक, इंटेलिजेंस ही इंक्रीजेस ओवर टाइम। तो सबसे बड़ा इट इज दी डिस्करेजमेंट ऑफ दैट प्रिंसिपल, इंटेलिजेंस ही पुरानी इंटेलिजेंस ही पर बेसिस रहता है, मतलब उसके बेसिस पर आप रिजल्ट निकालेंगे। सर का वॉल्यूम ठीक है, आप थोड़ा सा कम कर दीजिए, आपका जो सवाल है वो सही से नहीं आ पा रहा है, थोड़ा वॉइस में डिस्टरबेंस है। दोबारा से अपना सवाल, वो आवाज का डिस्टरबेंस आई गेस होस्ट के यहाँ से भी आ रहा है, होस्ट जी के यहाँ से, बिकॉज बहुत ज्यादा है यहाँ पे डिस्टरबेंस। पूछिए पूछिए सर। हाँ तो सर, सिंपल सा मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तरफ तो सीबीएसई के स्टेटमेंट्स आती है, बड़े बड़े चेयरमैन ये स्टेटमेंट निकालते हैं कि एक छात्र को बहुत मतलब भविष्य की सोचनी चाहिए और मतलब वर्तमान में जीना चाहिए, और जो भूतकाल में गया तो गया, बच्चे ने गलती करी तो करी, दसवीं और ग्यारहवीं में बच्चे ने गलतियां करी, अब उसने बारहवीं में गलतियां सुधारने की कोशिश करी थी, हालांकि हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा कट शॉर्ट कर दिया जाते थे। तो सबसे पहला तो सर, सबसे बड़ा तो मतलब सबसे बड़ा तो तब लगा था जब बोर्ड एग्जाम भी कैंसिल कर दिए गए थे जो होने चाहिए थे, बट देन जो सीबीएसई का जो क्राइटेरिया है 10th 11th और 12th इसके हिसाब से तो सारे के सारे आपका सवाल दिव्या जी, क्राइटेरिया को लेकर रुद्र सवाल उठा रहे हैं और जाहिर है उन्होंने कहा कि एग्जाम होने चाहिए थे, वो तो हम सब जानते हैं क्या परिस्थितियां रही हम सबके बीच। मैं चाहूंगा आप उस सवाल का जवाब दें प्लीज, क्योंकि थोड़ा सा छात्रों के मन में दुविधा है, चिंता है और डर भी है। दिव्या जी, रुद्र ने जो सवाल पूछा, सर सवाल क्लियर नहीं था, पर मैं जितना समझ पाई उनको ये लगा कि भूतकाल में जो हो गया वो हो गया, दसवीं में जो हमने करा, ग्यारहवीं में जो हम करा, अब हमारा फ्यूचर सारा बारहवीं पे डिपेंड था। पर बच्चे हम सबको ये समझना पड़ेगा कि इस सिचुएशन के लिए कोई भी रेडी नहीं था, ये बेस्ट ऑफ सॉल्यूशन करने की कोशिश कर रही है सरकार भी, स्कूल्स भी, आप सब लोगों के साथ हम सब सेंसिटिव है, और ये तभी है कि इतना टाइम लगाया है सबने। तो ये जो बेस्ट सॉल्यूशन है इसमें आप लोगों की राय ली जाएगी, मॉडरेशन तो हमेशा 100% होगी, पर ये है कि आपके लिए आगे भी बहुत सारा है, मतलब 12th के रिजल्ट पे भी बहुत कुछ आगे बेस्ड है, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, अगर आपने पढ़ाई करी है और आपने ये दिया है कि हम लोग बहुत अच्छी तरीके से आपका कैरियर पे कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी को रीएलिवेट किया जाए, तो उसके भी प्रावधान रखे हैं, और आगे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गए, ये एंड नहीं है आपकी लाइफ का, पर अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपका स्वास्थ्य। तो सरकारें और जितने भी स्कूल थे वो सब कोशिश कर रहे हैं तुम्हें एक बेटर फ्यूचर देने के लिए, तो इस देर पर थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ेगा, कोई नहीं चाहता कि किसी का बच्चा कोरोना में चला जाए। तो सर ये हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये टाइम ऐसा है कि इसमें कोई सॉल्यूशन हमें दिख नहीं रहा, मजबूरी कोशिश करे जा रहे हैं, सरकार भी कोशिश कर रही है, स्कूल भी, टीचर्स भी, हाँ सब कोशिश कर रहे हैं उस कोशिश में बेस्ट सॉल्यूशन, क्योंकि कोई भी बच्चों के भविष्य के साथ खेलना नहीं चाहता, तो ये कोशिश है, और इसके बाद बिना रिवेल्युएट होगा, सरकार एक बार स्कीम लेके आती है, चीजें लेके आती है, वो आपका पक्ष हमेशा रखेगी, उसी लिए उन्होंने एग्जाम रखे हैं कि आप अगर अपने संतुष्ट नहीं है तो आप एग्जाम दे सकते हैं, बिल्कुल उसके लिए ऑप्शन भी रखा हुआ है। डॉक्टर जगदीश गांधी, मैं आपके पास आता हूँ, जिस तरह से छात्रों ने जो इलेवंथ का 30-30 का जो फॉर्मूला है उस पर उन्होंने अपनी सहमति नहीं बताई है जताई है, वो इस पर थोड़ा सा एतराज जता रहे, इसको लेकर सर आपका क्या सोचना है, क्या ये चेंज होना चाहिए या इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए? देखिए छात्रों के मन में सवाल है, वो कैसे दूर होंगे? ये
देखिए ये फार्मूला काम नहीं आएंगे जी, ये फार्मूला सारे गलत हैं। एक ही फार्मूला है कि बच्चों का इम्तहान हो। यदि नीट का इम्तहान हो रहा है और गवर्नमेंट ले रही है और आईआईटी जी का इम्तहान ले रही है और यूनिवर्सिटीज इम्तहान लेंगी बच्चों का, तो सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड जिन्होंने प्रश्न पत्र भी छाप कर रखे हुए, कॉपियां छपी रखी हैं, सारा इंतजाम उनके पास है और किसी भी दिन परीक्षा कर सकते हैं। उनको परीक्षा क्यों न करने दी जाए, या तो नीट की भी कैंसिल कर दें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कर रही है वो भी सेकंड ईयर के बच्चे, आईआईटी जी की भी कैंसिल कर दें और यूनिवर्सिटीज को भी आदेश दे दें कि कोई परीक्षा नहीं लेगा, जो बोर्ड रिजल्ट दे देगा उसके आधार पर वो एडमिशन ले लेंगे। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी में जी, और जो कैंपस है और एफिलेटेड कॉलेजेस, उसमें बीए के लिए 1,00,000 सीटें हैं जी, और 4,00,000 बच्चे इसमें अप्लाई करने वाले, तो 4,00,000 का कैसे, 1,00,000 सीटों पे 4,00,000 तो नहीं ले सकते। तो उन्होंने कहा कि हम इम्तहान लेंगे जी, जो वाइस चांसलर हैं, यदि वो इम्तहान लेंगे तो सीबीएसई बोर्ड क्यों नहीं इम्तहान ले रहा। सवाल है कि बिना इम्तहान लिए ये जो नंबर देने की बात है, आई डोंट एग्री विद दैट एट ऑल, क्योंकि बच्चों को जिंदगी के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। ये बच्चे कोई नर्सरी मॉन्टेसरी के नहीं है जी। कोरोना यदि बढ़ रहा होता तब तो हम कहते कि कोरोना बढ़ रहा है, उसमें कोई चपेट में आ जाएगा। अभी तो कोरोना कम होता जा रहा है और जो स्थिति है वो ये है कि यहाँ तक कि महाराष्ट्र खुल गया, दिल्ली जैसा जो दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी वो भी खुल गया जी। अब बच्चे हर जगह जा रहे, मॉल्स खुल गए, सारे कुछ खुल गए, सारे युवक मॉल्स में जा रहे हैं। तो अब ये कहना कि साहब कोरोना उनसे चिपट जाएगा, अरे भाई सारी व्यवस्था की जाएगी, कोरोना कैसे लग जाएगा। सर मैं आपको एक मिनट रोक रहा हूँ, एक स्टूडेंट यशवर्धन जुड़े हुए हैं, उनका सवाल मैं आप ही के पास लेकर आ रहा हूँ। यशवर्धन अपना सवाल पूछिए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे इस साल अभी ये पॉलिसी तो आ गई कि आप 30-40% तो हम मार देंगे, पर जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और इन सब में जो यहाँ मेरिट बेस पे एडमिशन होते हैं हमारे कॉलेज में, तो आपको नहीं लगता कि इस मतलब इस बोर्ड के नंबर पे एडमिशन देना अनफेयर होगा? यशवर्धन आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब आ रहा है, मैं चाहता हूँ दोबारा से हम जुड़े और आप अपनी बात को सही तरीके से रख पाएंगे। आप सवाल आपका हमारा जो एक्सपर्ट का पैनल हो समझ पाएगा तभी उसका जवाब भी हम अच्छे से दे पाएंगे और आपके मन में जो सवाल है उनका हम निदान भी कर पाएंगे। आप जगदीश जी, ये समस्या है छात्रों की, और एक सवाल जो इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ, सीबीएसई ने यह भी कहा कि 10वीं और 11वीं के जो 5 सब्जेक्ट में से जो जिन 3 में छात्र ने सबसे ज्यादा स्कोर किया होगा उन्हीं को रिजल्ट तैयार करने के लिए चुना जाएगा। देखिए कोई भी बच्चा इन सब फॉर्मूला से एग्री नहीं करेंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी सबको, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। जैसे इम्तहान होता है वही इम्तहान होना चाहिए और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि कोरोना यदि होता बढ़ रहा होता तब तो मैं कहता कि ठीक है ये सारा 30% 30% आप कह रहे हैं एग्जाम होनी चाहिए या कोई भी फॉर्मूला तब तो बात होती जी, इम्तहान होने चाहिए ठीक, क्योंकि आप नीट का इम्तहान ले रहे हैं, इंटरमीडिएट के बच्चों का ठीक है, आप आईआईटी जी का ले रहे हैं और सारी यूनिवर्सिटीज इम्तहान लेंगी, तो फिर इसके मानी क्या है कि सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड इम्तहान नहीं लेंगे? ठीक, उनके उनके लिए फॉर्मूला दें। मैं लौट रहा हूँ एग्जामिनेशन जी। जी सर मैं लौट रहा हूँ आपके पास। अवनीश हमारे एक स्टूडेंट जुड़े हुए हैं इस वक्त, वो सवाल शायद पूछना चाहते हैं। अवनीश आपको मेरी आवाज मिल रही है तो सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी आपकी आवाज आ रही है पूरी तरह? पूछिए पूछिए सवाल। जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है। हाँ जी मैं पूछना चाहता हूँ कि अब हमारा यहाँ पे ये आया है कि 10th 11th 12th में जो टॉप 3 रिजल्ट्स हमारे उसके हिसाब से हमें पास करेंगे। ठीक, अगर कोई बच्चा जैसे मेरे 6 सब्जेक्ट्स हैं, अगर मतलब 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट जिसके भी हैं, अगर वो उनमें से किसी 2 में या 3 में फेल है और बाकी 3 में उसके जो इतने आए हैं, जैसे अगर किसी के
तीन में 35 से लेके 40 तक आए हैं, बाकी सब में उसके फेल हो गया, तो भी उसको पास करोगे या क्या करोगे? ठीक है, मैं ये अश्विनी बख्शी जी, अगर आपने सवाल सुना हो तो मैं चाहता हूँ कि इसका जवाब दें आप, बहुत अच्छा सवाल उन्होंने किया है। जाहिर है चिंताएं हैं छात्रों के मन में, ये तो दूर करनी ही पड़ेगी कम से कम, क्योंकि कह तो दिया गया है कि रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, क्राइटेरिया तैयार, फॉर्मूला तैयार है, लेकिन छात्रों के मन में जो सवाल है अश्विनी जी, उनका क्या होगा? सवाल बिल्कुल जायज है, क्योंकि उनकी एज ऐसी है, हमने एक हमारा सिस्टम ऐसा सेटअप है कि 12 के बाद ही करियर के बारे में हम बात करते हैं कि आगे बच्चे क्या करते हैं। हम 12 की स्कूलिंग को ही एक फाइनेंस स्कूलिंग समझते हैं, जहाँ तक ये हमारा परसेप्शन है, हमने ये एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू बनाया हुआ अपने चारों तरफ। अब आप एक बात लीजिए कि जो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोई बच्चा 2 में फेल है और 3 में वो पास है तो उसको कैसे करेंगे? अगर 2 में फेल है तो CBSE के हिसाब से वो पास ही नहीं होगा, वो तो एक्स्ट्रा ही आएगा, क्योंकि खाली एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है और जब वो कंपार्टमेंट क्लियर करेगा तभी वो एलिजिबल है नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए। तो इसलिए ये तो इस पॉइंट का तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है, और जो 2 में फेल होगा वो प्रमोट नहीं होगा एज पर द नॉर्म्स अवेलेबल होगा जो नॉर्म्स हमारे। बाकी ये है तो देखिए इस स्टेज पे टिप्स एंड, मैंने आपको पहले बताया कि 15 लाख के करीब स्टूडेंट्स का खाली CBSE के लिए बात कर, और उसके साथ करीब करीब 25 लाख एवरेज लगाने की आप पेरेंट्स एसोसिएटेड है, और करीब करीब 5 लाख से ज्यादा टीचर्स एसोसिएटेड है। इस बड़े वॉल्यूम में जब इतने लोगों से हम एक पॉइंट ऑफ व्यू पर डिस्कशन करते हैं तो उनका अपना नजरिया जरूर होगा। अब हम कहते हैं कि यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम ले रही है तो हम क्यों नहीं ले सकते CBSE का? नहीं ले सकते, देखिए एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न और CBSE का डिटेल्ड एग्जामिनेशन पेपर डिफरेंट है। अश्विनी जी, अश्विनी जी एक मिनट रोक रहा हूँ, रीना एक स्टूडेंट जुड़ी हुई हैं, उन्हीं का सवाल लेके मैं आपके पास आना चाहता हूँ। रीना अपना सवाल पूछे, अब आपको मेरी आवाज आ रही है तो? यस सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, सवाल पूछिए आप। सर अगर अभी जैसे आया हुआ है 30% का, तो क्या हमें इन फ्यूचर 30% बेस पे जॉब्स मिलेंगी? क्या हमें अपनी जो हमारा ड्रीम है वो हमें मिल पाएगा? ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ अश्विनी जी, बहुत अच्छा सवाल है उनका। रश्मि जी आपने सवाल सुना रीना का, वो कह रही कि अगर ये आधार ये पैटर्न तय किया जाएगा, एक बार आप फिर से बोल दीजिए, अगर ये पैटर्न तय किया जाएगा, ये आधार तय किया जाएगा तो आगे दिक्कतें होंगी फ्यूचर में, उनकी चिंता फ्यूचर को लेकर है। फ्यूचर में दिक्कतें ही मतलब किस तरह की आ सकती हैं? लेकर वो कह रही हैं अगर आप जब ग्रेजुएशन करते हो तो उसमें जो सब्जेक्ट आप वही एग्जैक्टली मैं उसी में जा रही हूँ, ग्रेजुएशन करोगे जो भी आप अपने ग्रेजुएशन लेवल पे सब्जेक्ट्स लोगे उसके थ्रू आपको जॉब मिलेगी ना। ठीक है, मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ रश्मि जी, वो तो आप 2020 वाले बच्चे हैं। रीना एक बार दोबारा से अपना सवाल आप दोहराएंगे प्लीज। मेरा सवाल ये है कि अभी जो ये 30% है, हमें जो अपना ड्रीम पूरा करना है तो इसी बेस पे अगर हमें अपनी फ्यूचर जो हमारी ड्रीम है हमारी जॉब की वो हमें नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? सवाल वही है रश्मि जी, फ्यूचर को लेकर सवाल पूछ रही है, जॉब्स को लेकर उनकी चिंता है। जाहिर है 12th के बाद ये छात्रों के सामने बड़ी समस्या हो जाती है फ्यूचर को लेकर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 12वीं का जो रिजल्ट होता है परिणाम होता है इंटरमीडिएट के इसीलिए। जगदीश जी एक मिनट आ रहा हूँ सर आपके पास, रश्मि जी बात को खत्म कर लें, एक मिनट में मैं आपके पास लौट रहा हूँ जगदीश जी, यूनिवर्सिटी बस एक सेकंड दे दीजिए सर मुझे प्लीज, एक मिनट लौट रहा हूँ रश्मि जी प्लीज। क्योंकि यही डिसाइड करता है अल्टीमेटली कि इंटरमीडिएट बोलते इसको इसीलिए है बिकॉज यही डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर। बिल्कुल सही बात है, तो आपके फ्यूचर की चिंता हो रही है और उसके बारे में ही सोचा जा रहा है। अगर किसी वजह से जाकर के एग्जाम देते हो और कोविड से इन्फेक्ट हो जाते हो तो फ्यूचर कैसा? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि परसेंटेज को लेकर के जो इश्यू है कि ये इतना क्यों उतना क्यों, उसके लिए जरूर CBSE सोचेगा, तो मुझे लग नहीं रहा कि इतनी चिंता करने का विषय है। 10th की परसेंटेज या 12th की परसेंटेज बढ़ा दें, 11th की थोड़ी सी कम कर दें। एक चीज और क्लियर करना चाहती हूँ, कुछ यहाँ कन्फ्यूजन हुआ था जब दिव्या जी ने बोला था 2020 और 21 का बोर्ड है ये जी। और ये बच्चे 11th फुल फ्लेज स्कूल में किया था इन्होंने, उनकी ऑनलाइन नहीं हुई थी 11th। मार्च में आया था कोरोना हमारे देश में
और मार्च तक उनके ऑलमोस्ट कुछ कुछ स्कूलों के एग्जाम कंडक्ट हो चुके थे और वो बच्चे ट्वेल्थ में आ गए थे और कुछ कुछ स्कूलों के एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाए थे। तो ये जो बच्चे हैं ये ईयर 2020-21 वाले हैं और इन्होंने फुल फ्लेश स्कूल में 11th किया है। अब यहाँ पे दो तरह के बच्चे हैं, एक वो बच्चे जो शुरू से सिंसियर थे जिनके मार्क्स अच्छे ही आए तो मुझे नहीं लगता कि वो इसमें किसी भी तरीके से असंतुष्ट हैं। दूसरे वो बच्चे हैं जिन्होंने 11th में किसी वजह से ध्यान नहीं दे पाए थे। तो अभी क्या गारंटी है, किसी के पिताजी की मृत्यु हो गई, किसी के माताजी की मृत्यु हो गई, किसी के घर में दोनों नहीं है, किसी के घर में अभी भी प्रॉब्लम है, बहुत लोग ऑक्सीजन सिलेंडर से अभी भी लगे हुए हैं, ठीक ही नहीं हुए, वो एग्जाम कैसे देने जाएंगे। मैं इतने बच्चों को जानती हूँ, आज मेरे स्कूल में प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट हुए हैं क्योंकि वो आ गया था ना इसका प्रैक्टिकल एग्जाम का, वो आ गया था कि अब आपको ऑनलाइन ही लेना है, ठीक है, जिसका जिसका रह गया था। तो केमिस्ट्री में तो सारे बच्चे निकल गए थे पर थोड़े बहुत बच्चों के यहाँ कोविड केसेस हो जाने की वजह से बाकी सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम आ गई। जगदीश जी ने जो एक बात कही है कि एग्जाम हो जाने चाहिए, बाकी प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा है, आप सहमत हैं उससे? आपको भी मैं उसी पे आना चाहती हूँ कि एग्जाम हो जाने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल मैं उस पे आ रही हूँ। एक्चुअली मैं तो सहमत नहीं हूँ लेकिन बोर्ड ने ऑप्शन दिया है कि जिसको देना है वो दे दे, मैं पर्सनल लेवल पे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। उसके पीछे मेरे पास दो रीजन है। प्रैक्टिकल एग्जाम जो 30 नंबर का होता है उसको कंडक्ट कराने में तो 1.5 महीने खराब हो गए और अभी भी बहुत से स्कूलों में प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हो पाए, ऑनलाइन कराने पड़ रहे हैं क्योंकि कोविड केसेस हो गए। अभी क्या चांसेस हैं कि हम 70 मार्क की थ्योरी कंडक्ट कराने जाएंगे और सारे बच्चे एग्जाम देने आ जाएंगे? क्या फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? फिर उनके लिए तो क्राइटेरिया ही बनाओगे ना, फिर उनके लिए कोई स्केलिंग ना होगी, बार बार बोर्ड एग्जाम ही कंडक्ट कराते रहेंगे तो आप कब बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराएंगे? तो मॉडरेशन करने की रिक्वायरमेंट है ना कि बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराने की रिक्वायरमेंट है। देखिए प्रश्न ये है कि ये मार्कशीट लेकर के बच्चा क्या करेगा, यूनिवर्सिटी में जाके दाखिला लेगा? तो क्या इस मार्कशीट पर यूनिवर्सिटी दाखिला देगी? नहीं देगी, वो अपना टेस्ट लेगी। तो जब टेस्ट वहाँ होना है तो क्योंकि पक्का टेस्ट क्यों ना हो जो CBSE बोर्ड ICSE बोर्ड का है, जिससे कि कट ऑफ परसेंटेज यूनिवर्सिटी निर्धारित कर सके। इन मार्क्स के आधार पर कट ऑफ परसेंटेज नहीं होगा, और कट ऑफ परसेंटेज होता है तो इसी दाखिला है। किसी यूनिवर्सिटी ने कहा हम साहब 80% जिनका है उनका दाखिला करेंगे, किसी ने कहा हम 85% वाले लेंगे, किसी ने कहा 90% लेंगे। उससे नीचे के बच्चे वहां से चले जाते, नोटिस बोर्ड पर वो लगा देते, तो वो इजीली होता है। लेकिन यदि सवाल यह है कि यदि कट ऑफ परसेंटेज नहीं होगा तो फिर बच्चे का फायदा क्या है? उसे टेस्ट देना पड़ेगा और यूनिवर्सिटी में टेस्ट देना है। इससे बेटर है कि CBSE बोर्ड ICSE बोर्ड तैयार है, क्वेश्चन पेपर तैयार है, कॉपियां तैयार है, सारी व्यवस्था उनकी मार्च के लिए इम्तहान के लिए तैयार की हुई रखी है। मार्च में नहीं करा पाए, अप्रैल में नहीं करा पाए कोरोना की वजह से, मई में नहीं करा पाए, जून में नहीं करा पाए, तो जुलाई अगस्त में करा ले। लेकिन परीक्षा तो देखिए हर हालत में होनी है, हर बच्चे को देनी है, यूनिवर्सिटी में दे या बोर्ड की दे दे। प्रश्न आपको यह तय करना है, यहाँ जो हमारे विद्वजन बैठे हैं, कि वो CBSE बोर्ड ICSE बोर्ड UP बोर्ड या स्टेट बोर्ड की परीक्षा चाहते हैं या यूनिवर्सिटी में बच्चे जाएं और धक्के खाएं और वहां परीक्षा दें। और यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स को कोई आइडिया नहीं है पेपर्स कैसे बनाए, ठीक है सर, इंटरमीडिएट में क्या क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। प्रोफेसर दिव्या तंवर, मैं आपके पास आता हूं। जगदीश गांधी जी ने जो बात, बच्चों की कॉपियां कैसे जांचेंगे? हाँ बिल्कुल, चिंता है, अव्यवस्था हो जाएगी, पूरे कंट्री में अपीवल होगा, ठीक है सर। और यंग मैन के साथ यू कैन नॉट प्ले विद द लाइफ ऑफ, ठीक है। दिव्या जी मैं आपके पास आऊँ, एक स्टूडेंट हमारे साथ मान्या गुप्ता जुड़ी हुई है। मानिए अपना सवाल पूछिए आप, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। जी सर पूछिए सवाल, क्या पूछना चाहते हैं आप? मानिए सवाल पूछिए, आपको मेरी आवाज आ रही है? गाना लगा पड़ी है।
सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, अब जैसे हम लोग जो एग्जाम्स देते हैं 12th के, वो इस बेसिस पे देते हैं कि हम बोर्ड के लिए फाइनली प्रिपेयर नहीं होते हैं। अब सैंपल पेपर्स वगैरह की प्रिपरेशन भी हम लोग नहीं कर पाते जब प्री बोर्ड जब तक होते हैं हमारे, हम पे इतना सफिशियंट टाइम नहीं होता। और इस बार तो वैसे भी कोविड पैनेडेमिक की वजह से हम लोग प्रिपेयर भी सही से नहीं कर पाए थे, तो इस सिचुएशन में प्री बोर्ड के बेसिस पर रिजल्ट बनाना क्या ठीक होगा हमारे लिए, क्योंकि मोस्टली कॉलेजेस में हमारे रिजल्ट को प्रेफरेंस दी जाती है एडमिशन के लिए। ठीक है दिव्या जी, प्री बोर्ड के हिसाब से रिजल्ट बनाना सही होगा या नहीं होगा, वो सवाल पूछ रही है मान्या, मैं चाहता हूँ उनके सवाल का जवाब आप दें। और दूसरा सवाल जो जगदीश गांधी जी ने भी उठाया और कट ऑफ को लेकर उन्होंने सवाल उठाया था, और रश्मि राय जी ने एक सवाल जो उठाया था वो कह रही है कि अभी भी जो जगदीश गांधी जी ने बात कही थी दिव्या जी कि आने वाले वक्त में अभी भी कोविड गया नहीं है, एक तरफ ये है कि एग्जाम होने चाहिए, दूसरी तरफ ये बात कही जा रही है, अब रश्मि जी ये कह रही हैं कि मैं पर्सनली अपना बताऊं तो एग्जाम फिलहाल नहीं होने चाहिए, तो दोनों चीजें हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों की हेल्थ और बच्चों की जान से इम्पोर्टेंट तो कुछ भी नहीं है, इस बात को तो हम सभी मानते हैं। अब रही बात क्राइटेरिया की कि कौन फर्स्ट आएगा, कौन कॉम्पिटिटिव एग्जाम करेगा, कौन किस तरीके से इनका क्राइटेरिया, पर बात सबसे ज्यादा यही महत्वपूर्ण है इस समय में कि हम सब जानते हैं कि कोरोना कभी भी वापस आ सकता है, तो कोई भी चांस लेना नहीं चाहता। आपके लिए क्राइटेरिया इसीलिए सरकार ने पूरा गठन किया है कि आपको च्वाइसेस दी गई हैं, जो नहीं करना चाहते उनके लिए तो एग्जाम का ये तो नहीं है ना कि आप पे थोपा जा रहा है कि आपको यही करना पड़ेगा। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप एग्जाम दीजिए, और साथ में आपको बेस्ट ऑफ सब्जेक्ट के लिए क्राइटेरिया दिया, और उसके बाद भी अगर आप ये इससे भी नहीं सेटिस्फाई तो आप रीवैल्यूएशन करा लीजिए। और उसके बाद भी एक चीज जो मुझे हमेशा लगती है कि जब हम लोग भी, जैसे मैं साइंस स्टूडेंट थी, हम सबके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम थे, एक मिनिमम परसेंटेज जो हमारी बोर्ड में आई उसके बाद सबके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस में ही के बाद ही एडमिशन होता है जितने भी कॉलेज, चाहे कोरोना था या कोरोना नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि बच्चों को जो कन्फ्यूजन है, अफकोर्स ये कन्फ्यूजन है, तो ये बहुत जल्दी इनको क्लैरिफाई करना चाहिए। जिन्होंने भी कमेटियां बनाई हैं उनको ये पता होना चाहिए कि बच्चों ने 11th में थोड़ा, हम सब लीनियंट होते हैं और प्री बोर्ड तक लीनियंट होते हैं, तो कुछ परसेंटेज ऊपर नीचे करके मॉडरेशन करके, पर कोई भी इस सिचुएशन पे ये नहीं चाहेगा कि एग्जाम हो और दोबारा से कोरोना की लहर आए, क्योंकि सेकेंड लहर में हम सब ने बहुत कुछ खोया है, तो इसीलिए हम इस आपदा के लिए दोबारा से तो तैयार नहीं है। तो एग्जाम के फेवर में तो मैं नहीं हूँ सर, क्योंकि बच्चे यंग ब्लड के साथ कोई भी प्ले करना नहीं चाहेगा, कैरियर के साथ भी नहीं कर रहा, तभी आपको इतने सारे ऑप्शन दिए हैं। हमारे टाइम में सारे ऑप्शन होते तो शायद हमारी लाइफ थोड़ी डिफरेंट होती, क्योंकि उसके बाद आप किस तरीके के स्टूडेंट हैं वो आपको लाइफ में प्रूफ करना ही पड़ेगा। अगर आप अच्छे हो तो अच्छा ही होगा, बुरे हो तो फिर कोई भी शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। तो मैं इसको इस तरीके से कंक्लूड करना चाहूंगी कि आपको बहुत मौके मिलेंगे आपको अपने आप को प्रूव करने के, पर अभी आपकी जान बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सेहत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है मैम, जगदीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं मनोज जी के पास जाऊंगा, मेरे पास वक्त भी बहुत कम है। जगदीश जी रिस्पॉन्स करिए प्लीज। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दिव्या जी से मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो बोर्ड की परीक्षा के लिए कह रही है या यूनिवर्सिटी परीक्षा ना ले और ऐसे ही बच्चों को भर्ती कर ले। 4 लाख बच्चे लखनऊ यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, तो दिव्या जी चाहती है कि पूरे 4 लाख बच्चों को एडमिशन दे दे और वो इम्तहान ना ले, तो 4 लाख बच्चों को बिठा लेंगे कहाँ? सवाल है कि इम्तहान तो यूनिवर्सिटी लेगी। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी हमारे पास, ठीक है जवाब ले लेते हैं। सर मैं ये कह रही हूँ कि अभी जो एग्जाम है सीबीएसई का एग्जाम, हमारे पास ना तो समय नहीं, यूनिवर्सिटी वाला इंतजाम ले जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी भी तो आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आएंगे ना, इन सब के आएंगे, हम सब ने दिए हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसके बाद 12th के बाद भी इनको परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। अगर ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं अभी तो ये इनको परफॉर्म करना पड़ेगा, कोई भी ऐसा शॉर्टकट तो है नहीं ना। हम सब हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बाद पीएचडी तक हम लोग एग्जाम देखी तो पास हुए हैं, सबने एंट्रेंस दिया, तो आगे भी एंट्रेंस तो होगा ना सर इन लोगों के लिए। ठीक है, ये नहीं है कि 12th इनका एंड और 12th के ऊपर क्राइटेरिया पे इनको बता दिया कि इनकी इतनी परसेंटेज है, उसके बाद तुमको कहीं पे भी कुछ नहीं मिलेगा, पर ऐसा आगे है ना सर। ठीक है मनोज जी, वक्त कम है, जाते जाते मैं चाहता हूँ आप कुछ कहना चाहें छात्रों को, स्टूडेंट को, क्योंकि सवाल बहुत सारे उनके मन में हैं, दुविधाएं अभी भी हैं, जो फॉर्मूला तय किया गया उसको लेकर भी छात्र खुश नहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। जी देखिए, जो फॉर्मूला तय किया गया तो उसमें अभी सामने बातें ये आई थी कि जो 11th क्लास है उसमें बच्चों के जो परसेंटेज थोड़ी सी कम रहती है, तो चाहे तो उसकी जो परसेंटेज है 30% मान लीजिए, अगर आउट ऑफ 80 वो 30 है,
तो उसको थोड़ा कम कर दिया जाए, क्योंकि टेंथ में बच्चों के मार्क्स ठीक आ जाते हैं, ट्वेल्थ में बच्चे बहुत सिंसियरली अटेंशन नहीं देते ट्वेल्थ के लिए, स्पेशली वो प्री बोर्ड्स में तो नहीं देते, उनका ये एक क्राइटेरिया होता है कि हम ट्वेल्थ में जब बोर्ड आएगा तब उसमें मेहनत करेंगे, और ऐसा होता भी है, जो प्री बोर्ड्स में मार्क्स आते हैं और जो बोर्ड्स में मार्क्स आते हैं उनमें कम से कम 10-15 या 20% का डिफरेंस होता है, तो प्री बोर्ड्स के मार्क्स से बच्चे थोड़े से घबरा रहे हैं, और जहाँ तक साइंस स्टूडेंट होता है वो अपने नीट के लिए या अपने IIT की तैयारी में ज़्यादा लगा होता है, ऐसा नहीं कि उसको नॉलेज नहीं होती, नॉलेज उसको पूरी होती है, पर उसकी अटेंशन टोटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होती है, तो वो उस समय प्री बोर्ड्स में थोड़ा सा अवॉइड करता है, वो इतनी अच्छी तरीके से तैयारी नहीं कर पाता जो उसको करनी चाहिए। अश्विनी जी, आखिरी कमेंट चाहूँगा, छात्रों के लिए अगर कुछ कहना चाह रहे हैं आप तो। चले ठीक है, ठीक सर, मेरे पास वक्त कम है और इस डिबेट को यहीं रोकना पड़ेगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जगदीश जी, मनोज जी, और इसके अलावा अश्विनी जी, साथ ही साथ दिव्या जी, रश्मि जी, आप सभी का वक्त देने के लिए, और तमाम जो स्टूडेंट के सवाल थे उन सवालों का जवाब देने के लिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही आज के लिए, देश की खबर से आप बने रहिए जनतंत्र TV के साथ, नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।